इनको इस काम के लिए चुना, डॉक्टर हैं और डॉक्टरी करते, पैसा कमाते, मर जाते, कौन जानता। लेकिन इन्होंने मन तरक शैअन लिल्लाह अवदहु अल्लाह खैरम मिन्हु, जो अल्लाह की रजा के लिए किसी चीज को छोड़ता है तो अल्लाह उसको उससे बेहतर चीज अता फरमाते। तो ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और अल्लाह ताला इनकी इनकी सेहत, इनकी आफियत, सलामत रखे ताकि ये इसी तरह अल्लाह के दीन का काम करते रहें और दावत इस्लाम देते रहें। तबलीग का काम तो है तज़कीर, नसीहत, क्योंकि हम मुसलमानों में कर रहे हैं, हम गैर मुस्लिमों में नहीं करते। डॉक्टर साहब को अल्लाह ने तौफीक दी कि इन्होंने अहले बातिल को, अहले कुफर को अल्लाह की तरफ बुलाया और कितने लोग इनके खाते में इस्लाम लाए, ये तो क़यामत के दिन नहीं पता चलेगा और इनको तो पता भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के पास तो सारी गिनती मौजूद है। और لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ يَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ, एक आदमी का तेरे जरिए से हिदायत पे आ जाना, हिदायत तो अल्लाह देता है, नबी भी नहीं दे सकते, एक आदमी का तेरे जरिए से हिदायत पे आ जाना पूरी दुनिया के मिल जाने से बेहतर है, पूरी दुनिया। तो बस ये